हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड, एपिसोड नंबर 48, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, जाके उसे भी फॉलो कर लीजिए, फॉर फनी मीम्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें एक काफी बड़े शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉन, किलुआ और लीरियो खड़े होते हैं और वहाँ पर वो हंटर लाइसेंस में चेक कर रहा होता है अपना बैंक बैलेंस। यहाँ पर वो लोग ग्रीड आइसलैंड गेम के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी लीरियो यहाँ पर बोलता है कि अगर हम लोग को पैसे इकट्ठा करने हैं तो हमें सर्च करना चाहिए। जहाँ पर वो लोग एक होटल या फिर लाइब्रेरी बोल सकते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वो रिसर्च करते हैं। एक्चुअल में ये लोग फैंटम ट्रूप्स के ऊपर भी रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो हंटर लाइसेंस का यूज़ करते हैं। तभी ये सीन शिफ्ट होता है और वो मार्केट पे दिखाए जाते हैं। मार्केट में वो घूम रहे होते हैं, तभी गॉन की नज़र एक नाइफ पर जाती है जो कि बेन नाइफ थी, और इसे चलाने वाला काफ़ी फेमस आदमी था, उसका नाम था ब्लैक स्मिथ, ऐसा किलुआ एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ पर वो दोनों उसके ऑरा को देखते हैं नाइफ्स के, और यहाँ पर वो इम्प्रेस हो जाता है। मैं अपने को लोगों को बता दूँ कि लीरियो को अभी तक ये नहीं पता कि इसमें ऑरा कहाँ पर है, इसलिए वो ऑरास को नहीं देख पाता। यहाँ पर उसके मास्टर्स ने उसे सिखाया होता है, आई मीन किलुआ और गॉन को, इसलिए वो देख पा रहे होते हैं। यहाँ पर वो और भी चीज़ों का रेट देखते हैं जो कि बार बार बढ़ रहा होता है। जैसे ही जैसे टाइम एक्सपेंड होता जा रहा होता है, वैसे वैसे उसका रेट भी बढ़ता जा रहा होता है। यहाँ पर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे जिनका ऑरा दिख रहा होता है, जबकि लीरियो को ऑरा के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है होटल के लिए। यहाँ पर ये दोनों सर्च कर रहे होते हैं, तभी उस गॉन को एक चीज़ दिखती है जिस पर ऑरा दिख रहा होता है, और यहाँ पर किलुआ की बात उसे याद आती है, जहाँ पर किलुआ ने कहा था कि हमें सिर्फ वही चीज़ें लेनी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ऑरा झलक रहा हो। यहाँ पर वो एक तस्वीर को देखता है गॉन, और उस पर भी ऑरा काफ़ी ज़्यादा झलक रहा होता है, लेकिन उसका रेट 5000 था और उस पर 30% का डिस्काउंट था। यहाँ पर वो बात किलुआ को बताता है, किलुआ बोलता है ठीक है, हमें वहाँ पास से वो सारी सामान लेना होगा और इसे बाइंड करना होगा। बाइंड कराने के बाद हम उसका रेट बढ़ा देंगे जो कि प्रीवियस ईयर का था। उन पर एक बंदा नज़र रखता है जिसका नाम था जिपाइल, और वो उनको जानते हुए देखता है। आपस में ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि अब हमने रैप तो करा लिया, अब हमें इसे बेचने होगा। जिसके बाद वो लोग एक बंदे के पास जाते हैं, वो बंदा बोलता है कि मेरे ऑपरेशन में इस सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ पर वो बोलता है ठीक है, मैं एक ट्रेड मार्केट का नाम बताता हूँ, वहाँ पर जाके तुम लोग ये सारे सामान बेच सकते हो। जिसके बाद वो लोग मार्केट के लिए निकल जाते हैं। तभी वो एक शॉपकीपर यानी कि शॉप के पहुँचते हैं, अंदर शॉपकीपर उसका वेलकम करता है, और वो सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि यार अच्छा माल हाथ में लगा है। ये दोनों को वो काफ़ी ज़्यादा शाबाशी देता है और ये दोनों भी खुश होते हैं। यहाँ पर वो प्राइस देने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो भी चीज़ें ये लाए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और इनका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा होता है पल पल पर। यहाँ पर ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं कि इस वुडन स्टैचू को जब वो ध्यान से देखता है और कहता है कि इसका प्राइस मैं ज़्यादा नहीं देने वाला क्योंकि ये उतना वैल्यूएबल नहीं है। जहाँ पर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर इस मूर्ति पे मैं बता दूँ कि पहले से कुछ खास चीज़ें हैं और दुकानदार इसका ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहता है और इस मूर्ति से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, मैं इसका जो भी प्राइस होगा मैं देने के लिए पेड करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर एक बंदा घुसता है, सिपाही नाम का, जो कि गॉन और किलुआ का पहले से ही पीछा कर रहा होता है, और वो सामान रोक देता है उन्हें बेचने से। कहता है कि ये जो प्राइस दे रहा है वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा है। यहाँ पर वो बताता है उस मूर्ति की खास बात, वो बताता है कि 300 साल पहले इस मूर्ति के अंदर खजाना छुपाया गया था जो किसी को काफ़ी कमी लोग को पता है। यहाँ पर उस मूर्ति की वो सारी खास बातें बताना चालू करता है। यहाँ पर दुकानदार काफ़ी ज़्यादा हैरान में हो जाता है कि इस बंदे को इस मूर्ति के बारे में इतना कैसे पता है। यहाँ पर उससे वो आर्ग्यूमेंट करना चालू करता है। तभी उस दुकानदार का मेन बॉस जो कि पीछे से दरवाज़ा खोलते हुए निकलता है और उस दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बहस चालू हो जाती है, वही सेल्समैन वाली बात। यहाँ पर वो दुकानदार उससे प्रूफ मांगता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि इसके अंदर खजाना छुपा है। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ करके देता हूँ। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है दुकानदार और कहता है ठीक है, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। जहाँ पर वो बताता है कि जब ये दो मूर्ति जुड़ी थी उस टाइम पर इसमें सोना हीरा डाला हुआ था, जिसके बाद इनमें बीच में पत्थर डाल दिया गया था और यहाँ पर उसे बाइंड करके दिया गया था। यहाँ पर वो उन दोनों की बातें दर्द की ध्यान से सुन रहे होते हैं, किलुआ और गॉन।
यहाँ पर वो बताता है कि वो पेंट ब्रश से उसे पेंट किया गया, जिसके बाद वो बताना चालू करता है और काफ़ी गुस्से में होता है। यहाँ पर उसे बताता है कि पेंट करने के बाद उसे फायर कर दिया गया था, फायर से जलाने के बाद वो बिल्कुल उसी तरह दिखने लगी जिस तरह वो होनी चाहिए। यहाँ पर वो उस मूर्ति को टच करता है और उसे महसूस होता है कि हाँ ये सच कह रहा है। यहाँ पर उस मूर्ति को वो भी टच करके दिखाता है कि यहाँ पास से ऐसा हुआ था, जिसके बाद वो बोलता है ठीक है तुम हार चुके हो इसलिए उन्हें वो मूर्ति दे दो। यहाँ पर दोनों ही उस मूर्ति को बीच से तोड़ने के लिए रेडी होते हैं। मूर्ति वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और कॉन्फिडेंट था। उस मूर्ति को तोड़ने के बाद उनकी आंखों की चमक कुछ ज़्यादा ही अलग थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खजाना निकला था और दुकानदार का लॉस हो जाता है तो वो उन्हें भगा देता है वहाँ से, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं जिपाइल से। जिपाइल बोलता है कि ठीक है मुझे इस मूर्ति का कमीशन 20% चाहिए। यहाँ पे किलुआ नाराज होता है, तभी वो उसे ऑफर करते हैं मतलब लंच के लिए, जहाँ पर वो फ्री था। यहाँ पर वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और सभी लोग लंच करने के लिए निकल जाते हैं। होटल पे लंच करके बैठ के बातें करने लगते हैं और खाना खाते हैं। पर सिपाइल बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसकी बातें ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। तभी वो क्वेश्चन करता है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो और उससे तुम्हें क्या मिलेगा। तभी वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे मदद करने से काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास एक पॉट है जंक है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो दिखाता है और कहता है कि ये मामूली जंक है, जिसके बाद किलुआ को गुस्सा आता है गॉन को गुस्सा आता है और वो कहता है खड़ा होकर ये कोई जंक नहीं है जिसे तुमने मार्केट से लाए और ख़रीद लिया। यहाँ पर वो क्वेश्चनिंग करता है उससे और कहता है कि तुम्हें पता है लोगों को बनाने में इसमें कितनी मेहनत लगी थी, जिसके बाद वो कहता है कि इसमें इसलिए वो स्पेशल है क्योंकि उसमें वो ऑरा दिखता है। यहाँ पर वो उसकी बात से एग्री कर जाता है। यहाँ पर वो गॉन की बातों पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा होता है और उस मूर्ति की तरफ देखता है। यहाँ पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्यूरिपिका पर और क्यूरिपिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। यहाँ पर उसकी बातों को वो काफ़ी ध्यान से सुनता है। यहाँ पर वो ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा होता है उन दोनों बच्चों में। यहाँ पर दिखाया जाता है हमें इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन, जहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं और जिपाइल उस बात को सोच रहा होता है कि उसने जंग के बारे में कहा वो सही आया था या गलत। यहाँ पर उन दोनों की कन्वर्सेशन वो काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मार्केट होटल से बाहर आ चुके हैं और बैठते हैं एक जगह पर, जहाँ पर वो उस बॉल बॉल जैसी चीज़ से एक गुड्डा निकालता है बाहर करता है और उसके अंदर एक बोलता है मैं पत्थर डालने वाला हूँ। यहाँ पर वो बोलता है पिंग पोंग और उसके बाद उस बॉक्स को काफ़ी ज़्यादा हिलाता है, हिला डाला साला। तभी किलुआ उससे क्वेश्चनिंग करता है कि तुमने अभी तक कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो उसने कहा कि मैं प्रोफेशनल को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है बस उस मूर्ति की ऊपर की जगह से किनारे साइड से अगर उस हीरे को निकाल कर उसके अंदर पत्थर डाल दिया जाता और उसे बैक कर दिया जाता। तो वो कहता है कि मैंने कई सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जो कि प्रोफेशनल होने के बाद भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। जिसके बाद कौन के पास एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन करने वाला कोई और नहीं लीरियो होता है जो कि लैपटॉप में रिसर्च कर रहा होता है। तभी उन्हें एक फ़ोटो दो लोग की फ़ोटो दिखती है जो कि फैंटम ट्रूप्स के मेंबर लग रहे होते हैं और वो उन्हें इन्फॉर्म करता है इस बारे में, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं ठीक है और वो बताता है किलुआ को। किलुआ उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो भागते हैं उस जगह से। तभी जिपाइल उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो दोनों मुस्कुराते हैं, जिपाइल उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी वो बोलते हैं कि इसे ऑकेशन में छोड़ देना और हम तुम पर भरोसा करते हैं, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है लेकिन बाद में बोलता है ठीक है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। यहाँ पर वो दोनों वहाँ से भागना चालू करते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन पता चल चुकी थी फैंटम ट्रूप्स के मेंबर की। यहाँ पास से वो भाग जाते हैं और जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टा फॉर फनी मीम्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।